किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। पुराने लोग तो ऐसे ही गीत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी अगर इसे गुनगुना रही है तो समझना मुश्किल नहीं, इन बोलों का असर कम नहीं हुआ है। आज मायनगरी में बात ऐसे ही बोलों को लिखने वाले महान गीतकार शैलेंद्र की। इसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। पिता केसरीलाल आर्मी में थे और रावलपिंडी में पोस्टेड थे। पिता की नौकरी और दूसरी मजबूरियों ने शैलेंद्र की पहचान अलग अलग जगहों और अलग अलग कल्चर से करवा दी। जीना इसी का नाम है। पंजाब में पैदा हुआ आदमी रावलपिंडी में, पिता बिहार के, रहे मथुरा में और आके बम्बई में काम किया। ऐसा आदमी जिसके पास इतनी भाषाओं का, इतने कल्चर का मिश्रण हो, उसके पास शब्दों की कमी नहीं हो सकती, उसके पास विचारों की कमी नहीं हो सकती। और उन्होंने अपनी उस तमाम नॉलेज को, जितनी जानकारी उन्हें भाषा की या फोक की थी, आप उनके गाने देखिए, सजनवा बैरी हो गए हमार, अब की बरस भेज भैया को बाबुल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, मतलब कितनी वैरायटी आपको चाहिए एक गीतकार से। अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन में जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियां, भेजो संदेशा भेजा रे। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाने के साथ ही अपना स्कूल भी टॉप किया शैलेंद्र ने। मैट्रिक के बाद शैलेंद्र ने इंडियन रेलवे में वेल्डर की नौकरी की। आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने इजाजत नहीं दी। 1947 में शैलेंद्र मुंबई आ गए। लिखने का शौक था, ये शौक मुंबई में और भी परवान चढ़ा। शैलेंद्र लेफ्ट मूवमेंट से प्रभावित थे, अपनी कविताओं से आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगे। ऐसे में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा ज्वाइन किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है जैसे क्रांतिकारी जुमले भी शैलेंद्र की कलम से निकले हैं। रेलवे की नौकरी में भी शैलेंद्र का ध्यान काम में कम और लिखने में ज्यादा रहता, और वो कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं से अलग जगाते। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में अपनी कविता जलता है पंजाब, मेरी बगिया में आग लगा गयो रे, गोरा परदेसी का पाठ करते उन्हें पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे राज कपूर ने सुना। शैलेंद्र जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जो साहित्य का बैकग्राउंड था। उनकी कविता सुन के ही राज कपूर साहब ने उन्हें आग में ऑफर दिया था कि आप मेरे गाने लिखिए। उस वक्त शैलेंद्र जी का एक दो टूक जवाब था कि मेरी कविता बिकाऊ नहीं है, और वो बॉम्बे में रेलवेज में काम करते थे। स्थिति ऐसी हो गई होंगी कि वो एक दिन राज कपूर साहब के पास आए और कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्या आपका ऑफर अभी भी है कि मैं आपके लिए गाना लिखूं? राज कपूर साहब जैसा पारखी आदमी, उसने बाहें खोल के उनका स्वागत किया और बरसात से वो सिलसिला शुरू हुआ। बरसात में शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट थी और पैसे की जरूरत ने उन्हें राज कपूर की फिल्म में गाना लिखने के लिए मजबूर किया। हालांकि कुछ लोगों ने राज कपूर को शैलेंद्र से गीत लिखवाने का रिस्क ना लेने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में वो सभी गलत साबित हुए। इसी फिल्म में लिखा गया गीत पतली कमर है भी सुपरहिट साबित हुआ।
पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। इसके बाद एक टीम तैयार हुई जिसने कमाल कर दिया। राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की टीम ने आने वाले वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। वैसे इस बड़े चांस के बाद भी शैलेंद्र ने अपनी रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ी जो उनकी आजीविका थी। इस बीच उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन आवारा के गीत लिखने के बाद उन्हें मालूम चल गया कि उनका सही प्रोफेशन क्या है। आवारा हूं, आवारा हूं। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। जब शैलेंद्र जी का दौर था तब खासतौर से रशिया में, बिकॉज राज कपूर साहब की वजह से बहुत मशहूर थे, और ये एक ट्रेडमार्क के आवारा हूँ। आप सोचिए कि एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके पास कुछ नहीं है जीवन में, उसको इतने सरल शब्दों में पूरी दुनिया को ये समझा देना कि इस आदमी की मनोस्थिति क्या है, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है, टूटा हुआ तारा है, आवारा है। तो मैं समझता हूँ कि शैलेंद्र जी ने जिस प्रकार से इस चरित्र को, इस चरित्र का वर्णन गाने में किया है, मैं समझता हूँ पूरी फिल्म इस गाने में नजर आती है। आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शैलेंद्र के गीतों में जीवन का दर्शन भी था, दर्द भी था। 1952 में रिलीज हुई दाग, शैलेंद्र के गीतों का दम इस फिल्म में भी दिखा। इस बीच बादल, बुजदिल, दाग, आह जैसी फिल्मों में शैलेंद्र के गीत लोकप्रियता बटोरते रहे, और श्री 420 के रिकॉर्ड्स ने तो अपने जमाने में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। फिल्म के लिए रमैया वस्तावैया, मुड़ मुड़ के न देख और मेरा जूता है जापानी जैसे गीत भी शैलेंद्र की कलम से निकले। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। सबसे ज्यादा हमें पता है कि मतलब नेचुरली राज साहब तो थे ही, राज साहब के अलावा बाबा बहुत इज्जत करते थे मिस्टर अमिया चक्रवर्ती की, विमल रॉय की, और मतलब इन सब डायरेक्टरों की। मधुमति के मधुर गीत, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ओ सजना, जुल्मी संग आंख लड़ी और दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभिजा जैसे गीत शैलेंद्र की देन थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिजा। काम को लेकर शैलेंद्र समर्पित थे। बड़े संगीतकारों के साथ सिटिंग में गीतों के बोल लिखने के अलावा गीत लिखने के लिए शैलेंद्र की पसंदीदा जगह जुहू बीच थी। उनकी आदत थी कि वो जुहू बीच पे जाकर लिखा करते थे, और उसके लिए वो सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते थे, और जुहू बीच पे वो पत्थरों के ऊपर बैठ के लिखा करते थे। तो हम लोग जो बच्चे थे वो सब मतलब उनके साथ उठने की कोशिश करते थे, और उनके साथ गाड़ी में बैठ के हम लोग भी जुहू बीच हम लोग खेलते रहते थे उधर पानी के पास, और वो पत्थरों पे बैठ के गाने लिखते थे। और मतलब उस वक्त तो हमें खेलना ज़्यादा पसंद था, पर आज समझ में आता है कि उधर पत्थरों पे बैठ के वो कुछ ऐतिहासिक लिख रहे हैं। भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं, फिर भी कही हुई बात सीधे सुनने वालों के दिल में उतर जाती। सरलता शैलेंद्र के गीतों की सबसे बड़ी पूंजी थी, और ऐसा मानने वालों की कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी खास बात शैलेंद्र जी की ये थी कि बहुत आसान शब्दों में बड़ा फलसफा कहना उनकी एक खासियत थी, जो हर गीतकार के बस की बात नहीं है। लोग मोटे मोटे शब्द इस्तेमाल करके अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकमात्र गीतकार थे शैलेंद्र जी जिन्होंने बहुत आसान शब्दों में, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, इतने बड़े दर्शन को उन्होंने कितने आसान शब्दों में कह दिया, ये मेरा ख्याल है शैलेंद्र जी ही कर सकते थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो।
शैलेंद्र के कद का अंदाजा लगाने के लिए इतना काफी है कि हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकारों के आदर्श भी शैलेंद्र हैं। जाने माने गीतकार योगेश भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। शैलेंद्र जी का जो लिखने का जो वो है, मैं सबसे पहले तो एक उनका कोई गाना था बंदनी का शायद, जहाँ पे वो लिखते हैं कि जो भी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए शांत सकारे, तू तो आँखियों से जाने दिल की बतिया। मतलब कोई आदमी आँखों से आपके दिल की बात जान ले तो तुझसे मिलना ही गजब है यार। अपने प्यारे गीतकार शैलेंद्र के गीत तो आपने खूब सुने हैं, लेकिन कभी पर्दे पर अदाकारी करते देखा है? शायद नहीं। पहचानिए फिल्म मुसाफिर के इस हारमोनियम मास्टर को। गली गली है रूप के रसिया, ढूंढ के न मिला मन बसिया,